हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आइए बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड। सबसे पहले आइए इसकी हिस्ट्री को मैं आपको बताता हूँ। किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत 1998 में की गई थी। इस मॉडल को, केसीसी मॉडल को, नबार्ड ने तैयार किया था। नबार्ड जो कि आपको पता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड ने आरबी गुप्ता कमेटी के सिफारिश पर केसीसी मॉडल का विकास किया। इस मॉडल का विकास करने का उद्देश्य जो छोटे छोटे किसान हैं, किसानों की जो ऋण जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए, क्योंकि जब फसल की बुआई और कटाई का मौसम आता है तो उस समय किसान को पैसे की ज़रूरत होती है। मार्केट में प्रोड्यूस करने के लिए फसल को भी पैसे की ज़रूरत होती है, तो इन सभी सारी साथ ही साथ कुछ हाउस होल्ड घरेलू ज़रूरतें भी होती है किसान को, तो इन सारी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए नबार्ड ने बहुत ही बेहतरीन मॉडल विकसित किया जिसको कि किसान क्रेडिट कार्ड कहते हैं। इसके लिए वो सभी फार्मर एलिजिबल हैं जो कि खेती कर रहे हैं, जिसके पास की अपना ज़मीन है, या शेयर क्रॉपर हैं या पट्टे धारक हैं, वो अपना खेती के ज़मीन को के ज़मीन पर केसीसी बनवा सकते हैं। अब इसके लिए बैंक क्या पैमाना तय करती है, कैसे निर्धारित करती है कि इसको कितना लोन मिलेगा, ये सारी के लिए हर एक ज़िले में एक कमेटी होती है जिसको कहते हैं DLTC, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी। ये जो है उस ज़िले में हो रहे फसलों का वित्तमान तय करती है कि एक हेक्टेयर में कितना फसल उगता है और उसका वित्तमान निर्धारित करती है। बैंक फिर कोई भी अगर फार्मर केसीसी के लिए बैंक जाता है तो बैंक पहले यह देखती है कि उसके पास कितना ज़मीन है, उस ज़मीन में वह किस किस पर खेती कर रहा है, उसके सारे ज़मीन सिंचित हैं कि नहीं। वह एक डॉक्यूमेंट उसके लिए होता है खसरा, जिस आधार पर वह बैंक निर्धारित करती है कि किस किस एरिया में फसल हो रहा है। फिर उस फसल के वित्तमान के अनुसार उस एरिया को मल्टीप्लाई करके और साथ ही साथ 10% एक्सलेशन हाउसहोल्ड ज़रूरतों के लिए और 20% फिर भूमि के रखरखाव के लिए, इन दोनों को जोड़ के पहले साल का केसीसी का लिमिट बनाया जाता है। और फिर केसीसी जो है वो 5 साल का होता है, तो इसमें 10-10% का एक्सलेशन, क्योंकि एग्रीकल्चर इनपुट्स का जो कॉस्ट होता है वो हर एक साल बढ़ता है, तो 10% एक्सलेशन दिया जाता है और ये टोटल 5 साल का होता है। इसको आगे और 3 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसमें एक्सलेशन आपको नहीं मिलेगा। तो ये केसीसी है। केसीसी में ऐसे ही वित्तमान के अनुसार निर्धारित करता है कि कौन बैंक निर्धारित करती है कि किस फार्मर को कितना लोन मिलेगा। अब इसमें रिपेमेंट का मॉड्यूल क्या है, तो ये एक रिवॉल्विंग फंड है। इसमें जो है आप फसल के रोपाई या जिस समय बुआई करते हैं उस समय आप पैसा ले, और फिर जब आप इसकी कटाई करते हैं तो उस समय पैसा फिर जमा कर सकते हैं, फिर अगले फसल के लिए आप पैसा जो है निकाल के अपना फसल लगा सकते हैं। मतलब इसको जो है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दो तरह के फसल होते हैं, फसलों के अनुसार इसको रिपेमेंट का मॉड्यूल होता है। मूलतः समझे तो 1 साल के अंदर अगर आप इसको जमा करते हैं तो इसमें जो है 3 लाख तक इंटरेस्ट सबवेंशन जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ रीपेमेंट इंसेंटिव, अगर टाइमली रीपेमेंट करते हैं तो प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव भी मिलता है 3 लाख तक। साथ ही साथ केसीसी में 1,60,000 तक कोई सिक्योरिटी नहीं लगता है, इसमें सिर्फ हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप होता है। 1,60,000 से जब आप ऊपर जाते हैं तो फिर आपका ज़मीन बंधक किया जाता है बैंक के नाम से। तो ये केसीसी के बारे में है। ऐसे ही केसीसी जो है किसी व्यक्ति को मिलता है, किसी किसान को मिलता है, और रिपेमेंट का यही मॉड्यूल है और ये रिवॉल्विंग फंड है, मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ केसीसी में इंश्योरेंस भी होता है। केसीसी होल्डर जो है वो इंश्योर्ड होता है, अगर एक्सीडेंट में उसका डेथ हो जाता है, एक्सीडेंटल अगर डेथ हो जाता है तो फिर उसको 50,000 मिलेगा, और अगर फुल्ली डैमेज हो जाता है मतलब वो अक्षम हो जाता है, वो कुछ नहीं कर सकता है, तो 25,000 वो बीमा का पैसा मिलता है। वो बैंक, वो जो है कृषक और सरकार 2:1 के रेशियो में प्रीमियम पे करती है। तो ये सारी बातें थी केसीसी के, शायद आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट हो तो आप नीचे कमेंट